भारत सरकार के निर्मला सीतारमण जी ने किसानों के मदद का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि 2,00,000 करोड़ किसानों को मदद दी जाएगी। इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2,00,000 करोड़ जो मदद है वो किसानों को ऋण की बात करी है कि किसानों को ऋण दिया जाएगा। ऋण के कारण तो खुद किसान पहले ही बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि बैंक का लोन, आड़ती का लोन और किसानों के खर्चे। अब आप बता रही, सरकार कह रही कि हम हर जो केसीसी है और जो किसान प्रधान सम्मान योजना जो बैंक में है उसको 2,00,000 रुपए दे देंगे। अब 2,00,000 रुपए तब देंगे, किसानों की जमीन पहले ही प्लस है उसमें गारंटी। जैसे इन्होंने उद्योगपतियों को कहा कि आपको बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ हमारी गारंटी है। अब सरकार जो कह रही कि हमने पहले भी किसानों को लोन दिया, किसान की 25,00,000 रुपए प्रति एकड़ जमीन की कीमत है और उसको 1,00,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। और जो भगोड़े हैं, जो बैंकों में भगोड़े हैं, बैंकों से लोन लेके भागे विदेशों में चले गए, किसान के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। किसान की जमीन 1,00,000 में 25 लाख की जमीन रख दी, तो किसान ना क्या, किसान ना कम से कम अगर मदद करनी थी उसका केसीसी का लोन माफ कर देते, किसानों का ब्याज माफ, जो बैंकों का ब्याज है वो माफ कर देते। अब लेकिन सरकार ने ये आवाज, अब सरकार ने कहा कि हम स्टोरेज के लिए भी दे रहे हैं, हम फिश के लिए भी दे रहे हैं, पशु विभाग के लिए भी दे रहे हैं, लेकिन वो सारे का सारा लोन है। अब लोन की जो व्यवस्था है किसान का, अब किसान की हालत क्या है ये देखो। किसान ने खेत अभी बजाई नहीं करी, और सीतारमण जी से हमारा अनुरोध है, वित्त मंत्री जी से, किसानों की क्यों अभी पेमेंट अभी तक नहीं हुई, किसानों के खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे। हरियाणा के अंदर 6 प्राइवेट बैंकों को पैसे भेज दिए गए, जो 15-20 दिन से वो बैंकों में पड़े हुए हैं। इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता। गन्ने की पेमेंट अभी तक पहुंची नहीं है। किसान की मदद करने की बजाय आज किसान को लूटा जा रहा है, किसान को बर्बाद किया जा रहा है, किसान की मदद की बजाय लोन के चक्कर में फिर दोबारा, क्योंकि अगर हम लोन नहीं दे पाएंगे हमारी जमीन कुड़कोएगी, हम लोन दे नहीं पाएंगे। और किसान का जो ब्याज है, अगर हम एक बार भी नहीं दिया, पहले हमें 4% ब्याज देंगे, अगर एक भी किस्त होगी तो 15-20% का लोन दिया जाएगा, कोर्ट में दावे किए जाएंगे, किसान को बर्बाद किया जाएगा। अब मदद की बात ये थी कि किसानों के बिजली के बिल माफ करने थे, अब स्टोरिंग की बात है, कोई किसान तो स्टोरिंग के गोदाम बना नहीं सकता। फीस का भी जो है वो लोन दिया जाएगा, पशुपालन विभाग का भी लोन दिया जाएगा। तो किसान को मदद देने की बजाय ये कर्जे के चक्कर में किसान को बर्बाद करने की साजिश है, जिसके हम कड़ाकड़ निंदा करते हैं।